हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम आ चुके हैं एक नए प्रोजेक्ट को कवर करने जिसका नाम है एएनपी अल्टिमस। सो एएनपी अल्टिमस काफी प्राइम लोकेशन पे है। इसको हम बोलते हैं वाकड़, लोकेशन का नाम है वाकड़ एंड होटल टिपटॉप, आप सबने सुना होगा नाम। जस्ट उसके बगल का लैंड पार्सल है, काफी प्राइम लोकेशन है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कनेक्टिविटी की तो स्ट्रेट हाईवे से कनेक्टेड है प्रोजेक्ट और काफी प्यारा व्यू मिलता है यहाँ से आपको कंप्लीट वाकड़ का, हिंजेवाड़ी का, अगर आप हाई रेंज में जाते हैं तो। एएनपी अल्टिमस की सबसे खास बात क्या है, ये कि एएनपी ब्रांड के अंडर आता है प्रोडक्ट एंड एएनपी इज नोन फॉर देयर वेल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। काफी प्राइम लोकेशन के साथ साथ ये काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ऑफर करता है। एएनपी के ऑलरेडी पुणे में काफी प्रोजेक्ट्स हैं और आज हम उसका एक नया प्रोजेक्ट जो एएनपी अल्टिमस है जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड जिसमें आगे भी आने वाले कुछ नए टावर्स है उसको हम कवर करने के लिए आए। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एएनपी अल्टिमस को। द अल्टीमेट गेम चेंजर एएनपी अल्टिमस। आप जो स्टेट रोड देख रहे हैं सीधा हिंजवाड़ी को कनेक्ट करता है और जो उधर का आप रोड देख रहे हैं वो वाकड़ को जाता है और ये सामने आपका हिंजवाड़ी वाकड़ का ब्रिज आ जाता है। चलिए चलते अंदर और एक्सप्लोर करते हैं सेल्स ऑफिस को। चलिए चलते हैं अब हम लोग एएनपी अल्टिमस के सैंपल फ्लैट को देखते हैं। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 5.5 एकड़ में प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 टावर्स आपके आ रहे हैं और टोटल 840 फ्लैट्स हैं। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 2 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK एंड यस 2.5 BHK भी इसके अंदर दिए गए हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट आपका जो 3.5 BHK है उसका कारपेट है 1233। तो चलिए आज हम इसका एक्सप्लोर करते हैं कि इसका जो 3.5 BHK है हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। सो हम एंटर करते हैं, लॉबी मिलती है 7.9 by 4.6 का, काफी प्यारी लॉबी है। लॉबी से जैसे आप अंदर एंटर करते हैं आपको सबसे पहले लिविंग स्पेस मिलता है जिसको हम ड्राइंग रूम बोलते हैं एक लेमन लैंग्वेज में, लिविंग स्पेस बोलते हैं। इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे बालकनी भी अटैच्ड है जिसका कारपेट है 10.9 by 6.6 की। यस, ये ऊपर से कवर्ड है। द बेस्ट पार्ट इज दैट आप इसको 24 आवर्स यूज कर सकते हैं और 365 डेज आप इस पर यूज कर सकते हैं बिकॉज ऊपर से कवर्ड है तो बारिशों में इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। आपके बालकनी में आप आराम से हर वेदर को इंजॉय कर सकते हैं, प्राइवेसी कंप्लीट रहेगी
और जैसा आप देख सकते हैं आपकी लिविंग रूम से आपकी जो बालकनी है वो अटैच्ड है, तो काफ़ी अच्छे स्पेस आपको मिलता है। ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो काफ़ी डिसेंट स्पेस मिलता है आपको और काफ़ी लेविश सा आपको फील आएगा कि आपका जो लिविंग रूम है उसके जस्ट बगल में ही आपकी, उसके जस्ट अपोजिट आपकी बालकनी आ जाती है। एंड अलग से एक स्पेस दिया गया स्टडी रूम है जिसको हम बोल सकते हैं 0.5। आप चाहो तो इसको रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो आप इसको ओपन स्पेस में रख सकते हो या फिर एक सेपरेट डाइनिंग स्पेस इसको आप बना सकते हो। दिस इज योर 0.5 रूम, इसको हम स्टडी रूम बोलते हैं। एंड इसका कारपेट इज 7.9x9। काफी प्यारे से इसको बनाया गया है, काफी अच्छा स्पेस मैनेजमेंट किया गया है। स्टडी रूम है, ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है। अगर आपको स्टार्टअप है, आपको लगता है आपको एक सेपरेट स्पेस चाहिए आपके घर में अपने काम के लिए, तो उसके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ एक आपको एक सेपरेट डाइनिंग स्पेस दिया गया है 8.6x10 का, 6 सीटर डाइनिंग लगा हुआ है यहाँ पे और काफ़ी अच्छे स्पेस मैनेजमेंट दिया गया है। एंड जस्ट डाइनिंग के अपोजिट में आपका किचन है। मैं आपको बता दूँ कोई भी चीज़ नहीं दी जा रही इसके अंदर, सिंपल फ्लैट दिया जाएगा आपको, कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है। ये आपको शो पर्पज के लिए बताया गया है कि किस तरीके से आपका घर बन सकता है। आप अगर खरीदते हैं इसको और आप कल को कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप करा सकते हैं। 9.6x10.6 का आपका किचन है, डबल प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, पैरेलल प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, तो उसका एडवांटेज क्या होता है काफ़ी ज़्यादा लोग एक बार में काम कर सकते हैं किचन के अंदर। आपके घर में गेस्ट है, पार्टी चल रही है और फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होना चाहते हैं कुकिंग में, तो ईजिली हो सकते हैं बिकॉज डबल प्लेटफॉर्म दिया गया है। 3.5 के हिसाब से काफ़ी डिसेंट स्पेस दिया गया किचन के अंदर। इन किचन की सबसे खास बात क्या आप देखेंगे तो एक पैरेलल फॉर्म में बनाया गया, काफ़ी स्ट्रेट दिया गया, काफ़ी ओपननेस है किचन के अंदर, कहीं से भी आपको कॉम्पैक्ट ही लगेगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ड्राई बालकनी तो 7x6.6 की दी गई है, अगेन काफ़ी बड़ी स्पेस आप देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन सामने रखी हुई है, उसके सामने एम्पल ऑफ स्पेस है चलने के लिए। एंड देन अगेन यहाँ पे आपको एक ड्रेनेज सिस्टम दिया गया, पाइप दी गई है, तो ओवरऑल देखा जाएगा आप एक एडिशनल यहाँ पे सिंक लगा करके अपने यूटेंसिल्स के लिए जगह रख सकते हैं, जहाँ पे आप जो सर्वेंट है मेड है वो कर सकते हैं। अगर आपको छोटा सा और गार्डनिंग करना है किचन के बाहर तो ईजिली आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगेन आप उसको किचन का एक एक्सटेंशन पार्ट भी काउंट कर सकते हैं, तो ओवरऑल किचन काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो अगर हम देखते हैं फिर से तो 9.6x10.6 का तो आपका सिर्फ किचन है एंड साथ ही साथ जो आपका यूटिलिटी एरिया 7x6.6 का दिया गया है। अब हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, विच इज योर थर्ड रूम, बिकॉज अभी हमने 0.5 कवर किया था। तो 0.5 के सामने एक पाउडर रूम भी दिया गया है, पहले मैं आपको ये कवर करके दिखा देता हूँ। दिस इज 4x6.3 का पाउडर रूम है, अगेन काफी पैसा सिंक दिया गया है यहाँ पे, अमेरिकन स्टैंडर्ड का दिया गया, सो अगेन इंटरनेशनल ब्रांड्स का फिटमेंट यहाँ पे यूज किया गया। दिस इज योर पाउडर रूम, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आपके गेस्ट आए, उनको अगर यूज करना है तो रादर देन गोइंग इन योर बेडरूम और एनी अदर रूम, दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर पाउडर रूम। देन पाउडर रूम के बाद उसके जस्ट बगल में एक और रूम दिया गया विच इज 10.9x10 का बेडरूम, सो हम इसको भी कवर करते हैं। लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है। वाह, इसके अंदर भी वॉशरूम अटैच मिल रहा है हमें। सो अभी हमने जो देखा है ये दूसरा हम वॉशरूम देख रहे हैं, फर्स्ट इज अ कॉमन वॉशरूम, सेकेंड इज अटैच्ड विद योर रूम विच इज 10.9x10 का रूम, सो इट कैन बी योर गेस्ट बेडरूम, किड्स बेडरूम, सीनियर सिटीजन बेडरूम, अब जैसे भी इसको यूज करना चाहते हैं। इसके साथ ही 8x5.3 का आपको अलग से एक वॉशरूम दिया गया जो अटैच है इसके अंदर, तो मैं कारपेट आपको बता था 8x5.3 का आपको वॉशरूम मिला है जो आपको सेकंड बेडरूम के साथ मिला, क्योंकि पहला हमने स्टडी रूम कवर किया था, दूसरा दिया आपका बेडरूम हो गया है। अगेन आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से फिटमेंट दिया गया, इंटरनेशनल ब्रांड्स को यूज किया गया, काफी अच्छा स्पेस दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रूम है, जो बेडरूम है, दिस इज 10.9x10 बट स्पेस काफी अच्छा है इसके अंदर। इसके जस्ट अपोजिट में आपका आ जाता है सेकंड मास्टर बेडरूम विच इज 10x3x13.6, सो मैं एक बार फिर दिखा देता हूं आपको यहाँ पे 10x3x13.6 और यहाँ से आपको बाहर का व्यू मिलने वाला है। यहाँ पे अभी 3D व्यू में बताया गया कि अगर आप आपका जो हाई राइज होता है, अगर आप ऊपर की तरफ लेते हैं अपने फ्लैट को, तो वहां से आपको सिटी का व्यू कैसा दिखने वाला है। सामने आप देख सकते हैं मुंबई की तरफ हाईवे जा रहा है ये, और अगर आप इधर से उधर से इधर आ रहे हैं दिस इज गोइंग टूवर्ड्स बैंगलोर, सो इस तरीके से पूरा व्यू दिखाया गया। बेडरूम काफी स्पेशियस है, काफी ज्यादा स्पेस है बेडरूम के अंदर, उसके साथ अगेन एक वॉशरूम अटैच है विच इज 8x5 का, अंदर पार्टीशन दिया गया है ग्लास पार्टीशन,
तो नहाने के लिए जो आपका बाथ है उसके लिए एक अलग से कंपार्टमेंट दिया गया है, और आपका अलग से कमोड का फिटमेंट, और एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है आपके वॉशरूम के अंदर। आप देख सकते हैं नीचे आप अगेन कैबिनेट्स लगा के इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टॉयलेटरी आइटम्स रखने हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। आप वॉशरूम से निकलते हैं, सामने आपको कोई गेट नहीं मिलता, कोई दरवाजा नहीं मिलता है, तो अगेन प्राइवेसी का काफी ध्यान रखा गया है। नाउ वी आर गोइंग टू द मास्टर बेडरूम, जो आपका सेकंड बेडरूम के जस्ट बगल में है। दिस इज 14x11, सो 14x11 का आपको 14x11 का मास्टर बेडरूम मिल रहा है। इसके साथ अगेन वॉशरूम अटैच है, तो पहले हम मास्टर बेडरूम को कवर करते हैं, एक पूरा 360 व्यू लेते हैं ओवरऑल कैसा दिख रहा है। काफी स्पेशियस है, अगेन यहाँ पे आपको विंडो मिल रही है बगल में, आपको डफिन ग्लास और मॉस्किटो मैश बाय डिफॉल्ट हर कमरे के विंडो और स्लाइडर्स के साथ मिल रहा है। व्यू वाइज यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से आपको व्यू मिलेगा। काफी प्यारे से स्पेस मैनेजमेंट किया गया है। एंड मास्टर बेडरूम के साथ अगेन एक वॉशरूम है जो अटैच्ड है। दिस इज 8.3x5.0। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन ग्लास पार्टीशन दिया गया है, एंड अगेन यहाँ पे आपको एक स्लैब दिया गया है जिसके ऊपर टोटो की फिटिंग दी गई है। सो वॉशरूम जो है आपका मास्टर बेडरूम के साथ 8.3x5 का दिया गया है। अगेन काफी स्पेस है इसके अंदर, ऊपर से आपको फॉल्स रूफ भी दिया गया है। और जैसे आप बेडरूम वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, सामने आपका अगेन कोई डोर नहीं है, वॉशरूम की प्राइवेसी दी गई है। सो हम एक बार अगर रैप अप करते हैं इस और कंप्लीट शो फ्लैट को, तो पहले आपका मास्टर बेडरूम है विच इज 14x11। जब आप अपने मास्टर बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट में आपको एक रूम मिलता है विच इज अगेन अ मास्टर बेडरूम, जिसका कारपेट है 10x3, 10.3x13.6, काफी प्यारा दिया गया है। एंड देन उसके अपोजिट अगेन एक और बेडरूम है विच इज योर किड्स बेडरूम, और यू कैन से द गेस्ट बेडरूम अगेन, क्योंकि रूम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, आपको किस पर्पज के लिए कौन सा रूम यूज करना है, मतलब कौन सा गेस्ट के लिए रखना है, कौन सा फ्रेंड्स के लिए रखना है, या फिर फैमिली मेंबर्स के लिए रखना है, या फिर आपको अपने बच्चों के लिए रखना है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस बेडरूम का साइज, तो विच इज 10.9x10। सो अभी जो हम ये रूम देख रहे हैं इसके अंदर वॉशरूम अटैच है, जो मास्टर बेडरूम है उसके अंदर वॉशरूम अटैच है, जो दूसरा मास्टर बेडरूम है इसके अंदर वॉशरूम अटैच है। तो तीन रूम के साथ हमें वॉशरूम अटैच मिल रहे हैं विच इज कम्प्लीट 3 BHK। और 0.5 की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पाउडर रूम है सेपरेट एक अलग से दिया जा रहा है, एंड उसके साथ एक 0.5 एक स्टडी रूम अलग से दिया जा रहा है विच इज अ कम्प्लीट 3 BHK विद 4 वॉशरूम्स। सो तीन वॉशरूम्स आपको रूम के साथ मिल रहे हैं और एक वॉशरूम आपको सेपरेट कॉमन मिल रहा है। एंड देन अगर आप ओवरऑल बात करते हैं फ्लैट की, तो फ्लैट का जो कारपेट है दिस इज 1233। बालकनी आपको काफी स्पेशियस दी गई है, स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छे से किया गया है, और अगेन सामने आपको एक हाईवे का बहुत प्यारा व्यू मिलेगा। मैं एक बार आपको 360 व्यू फिर से दिखाता हूँ ओवरऑल फ्लैट का कैसे दिखता है यहाँ पे अगर आप लिविंग रूम में है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा है, आपका कोई फीडबैक है तो आप प्लीज मुझे दीजिए, यहाँ पे मैं और चीजों को कवर अप कर सकूं। और यहाँ पे हमने बेस्ट पार्ट क्या किया है कि आपको पूरे सैंपल फ्लैट को एक डीप वेब में दिखाया है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि कहाँ पे कौन सा रूम आ रहा है, किस तरीके से उसको डेकोरेट किया गया और क्या क्या उसका साइजेस है। आपको लगता है कुछ और आपके क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे बताइए आपको क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको लगता है कि आपको बिल्डर से कनेक्ट करना है तो आप मुझे बताइए, मैं एक स्पेशल ऑफर एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ कनेक्ट करूंगा, जो कि लैविश शेयर की तरफ से स्पेशली आपके लिए रहेगा, बिकॉज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो के थ्रू अगर आप बुक करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अलग से ऑफर दिया जाएगा, जो केवल और केवल लैविश रेंटर की तरफ से होगा। बिल्डर के जो रेगुलर डिस्काउंट है, जो पॉलिसीज है, वो फॉलो की जाएंगी, एंड साथ ही साथ जो लैविश रेंटर के डिस्काउंट से ऑफर्स वो भी आपको दिए जाएंगे। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, बिकॉज आपके सपोर्ट से मैं आगे और वीडियोज बनाता रहूंगा और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा। कहीं पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज फील फ्री टू टेल मी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।